नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27। मैं हूं आपके साथ सुप्रीति सलाथिया। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थ यात्री पहुंचने की उम्मीद है। पवित्र गुफा में रोजाना 20,000 से अधिक शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। बुधवार को 30,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। यात्रा के 5 दिन में 105,282 यात्री बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इस बीच अदाशपीर भगवती नगर जम्मू से कश्मीर के लिए बुधवार को 5,725 यात्रियों का छठा जत्था रवाना हुआ है। अदाशपीर भगवती नगर जम्मू से बालटाल के लिए 2,514 यात्री रवाना हुए। इसमें 1,830 पुरुष, 599 महिलाएं, 15 बच्चे, 79 साधु और 1 साध्वी शामिल रहे। इसी तरह पहलगाम के लिए 3,211 यात्री रवाना हुए। इस जत्थे में 2,651 पुरुष, 435 महिलाएं, 10 बच्चे, 104 साधु और 11 साध्वियां शामिल रहे। दोनों यात्रा मार्गों के लिए 235 छोटे बड़े वाहनों में यात्री के देशभर से आ रहे भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी उत्साह है। आधारशील भगवती नगर में भोले के भक्त बाबा का गुणगान करके माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन जम्मू के पास सरस्वती धाम में टोकन पाने के लिए होड़ लगी हुई है। इसी तरह से महाजन हाल जम्मू वैष्णवी धाम और पंचायत भवन पर भी तत्काल पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गर्मी और उमस भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से तीर्थ यात्रियों को राहत मिल रही है। अभी तक भक्तों पर मौसम भी जो है मेहरबान रहा है। मानसून की बारिश ने अभी यात्रा में कोई रुकावट नहीं डाली है। यात्रियों के लिए जम्मू और चंद्रकोट के अलावा अन्य स्थानों पर ठहरने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।